नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आरजी न्यू एप्स यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग अपनी फोटो का प्रिंट निकालना चाहते हो अपने फ़ोन से ही, मतलब आपके फ़ोन में फोटो है उसको अगर आप उसका प्रिंट आउट निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो, वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और ले चलता हूँ अपने फ़ोन के स्क्रीन पर, वहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरीके से सब समझा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग फोटो का प्रिंट निकालना चाहते हो अपने मोबाइल से तो कैसे निकाल सकते हो, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, प्रिंटर एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने प्रिंटर एप्लीकेशन एक डाउनलोड करके रखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला। तो आपका जिस भी कंपनी का प्रिंटर हो उसी कंपनी का आपको एक ऐप डाउनलोड करना है। अगर आपका LG कंपनी का प्रिंटर है तो आपको LG का लेना है, और HP का अगर प्रिंटर है तो आपको HP के नाम से एक प्रिंटर एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। यहाँ पर आपको एक बार मैं अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। प्ले स्टोर पर आना और यहाँ पर आपको लिखना होगा HP प्रिंटर। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ प्रिंट। ठीक है, HP प्रिंटर आपको इस तरीके से सर्च करना है, और सॉरी यहाँ पर मैं भी बनाती हूँ उसको एच करते हैं, और HP मैंने लिखा, जैसे ये आप देख सकते हो ये आ चुका है HP प्रिंटर सर्विस प्लगइन। तो यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके अगर आपके पास HP का है, अगर कोई और कंपनी का तो उसी का डाउनलोड करना होगा। ठीक है, अभी जैसे मैंने एक प्रिंटर डाउनलोड किया है, समझाने के लिए आप इसको मैंने ओपन कर लिया। फिर यहाँ पर हमारे सामने तीन ऑप्शन आते हैं, फोटो एंड इमेज का, डॉक्यूमेंट का और वेब पेज का। तो अभी हमारे पास फोटो है जिसको मैं प्रिंट आउट निकालना है, तो अब आपको यहाँ पर अपना वो फोटो सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल एक मैं फ्लावर का फोटो लेता हूँ, ये मैंने फोटो ले लिया। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अगर कुछ भी एडिट करना चाहो इसमें, तब वो सब अपने पेजेस वगैरह जो भी है वो सब चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जो भी आउटपुट वगैरह करना, कॉपीज़ कितनी होनी चाहिए वो आप यहाँ पर क्लिक करके जितनी कॉपी आप निकालना चाहो इस फोटो की उतनी आप कॉपी यहाँ पर निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने 25 किया, 25 हो गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे, पहला वाईफाई का, फिर ब्लूटूथ का और फिर USB का। अगर आपके प्रिंटर में वाईफाई है तो आपको वाईफाई से इसको कनेक्ट करना होगा, नहीं तो आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है USB का, आप USB कनेक्ट करके जब आप प्रिंट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।